अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। पंखा बंद कर लेती हूँ ताकि आवाज अच्छे तरीके से आए। सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आमना एंड आई एम फ्रॉम लाहौर एंड द एंड ऑफ माय व्लॉगिंग। ओके, तो गाइज मैंने अपनी बहन को अभी धक्के मार के रूम से बाहर निकाला है क्योंकि उसकी वजह से मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकती। वो बहुत मैस क्रिएट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये टेबल मैंने लिया है पेंटिंग के लिए और इस टेबल पे रख दिए गई है इस्त्री, इस टेबल पे रख दिए गए हैं फल सब्जियां प्लेट ग्लास और भी बहुत कुछ यहाँ पर रख दिया गया है। और कमरे की हालत तो इस तरीके से खराब कर दी है जैसे यहाँ पर कोई इंसान नहीं, जंगली जानवर रहते हों। और ये सब मेरी बहन की करामत है, उसने कमरे को बिल्कुल गंदा हाल कर दिया है। इस तरह का हाल इसका कर दिया है कि मैं आपको इसकी हालत भी नहीं दिखा सकती, नाकाबले दीद है। बेड पे ऐसे जैसे कोई जानवर सोता होगा और कपड़े जो गंदे हैं वो भी इस तरह से इसने इधर उधर जो है वो फेंके हुए हैं। और मैंने तो अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं कमरे को साफ रखूं लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज मुझे आया है पेंटिंग का ऑर्डर। यस, एक और बात उन लोगों के लिए जो मेरे से जलते हैं कि मुझे पेंटिंग के ऑर्डर्स अभी तक आ रहे हैं। कुछ लोगों को नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को मेरी पेंटिंग नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँ, नहीं आती, जैसी आती है मैं करती हूँ। तुम लोग जलते हो तो जलो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो पेंटिंग के ऑर्डर मुझे आते रहते हैं। कोई आज भी मुझे एक ऑर्डर आया तो मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ वो ऑर्डर रेडी करूँगी। ऑर्डर मुझे आया है टीचर्स डे के लिए, मुझे ऑर्डर आया है। उसमें मैंने एक टीचर को ड्रॉ करना है जो कि डॉक्टर टीचर है और उसको ड्रॉ करना है, उसको पोस्ट ऑफिस करवाना है। तो जी, अगर मैं बेशक लाहौर में रहूँ या मैं कहीं भी रहूँ, मैं ऑर्डर रिसीव करती रहूँगी क्योंकि काम धंधा तो साथ साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि कमाना तो उस बंदे को साथ साथ चाहिए। और मैं यहाँ पे पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि जो मेरी आवाज़ है आप तक ठीक तरीके से आए। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस किधर है, कहाँ से मैंने करवाने हैं। और हाँ, आप लोग मुझे ज़्यादातर पूछते हैं कि मैं अपने ऑर्डर किस तरीके से डिलीवर करवाती हूँ। तो एक तो आपके दो तीन आपके पास मेथड है। आपके पास M&P होता है, आई डोंट नो वो क्या होता है। एक आपके पास M&P होता है, आई डोंट नो, वेट मेरा पास थक गया। सो आपके पास एक M&P होता है, मुझे नहीं पता वो कोरियर के लिए होता है या शायद आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल तौर पे आप अगर कोई डिलीवरी करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी यूज़ होता है, या कोई और पार्सल वगैरह, मतलब हर तरह की डिलीवरी के लिए होता है। मैंने वो यूज़ नहीं किया इसलिए मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकती। दूसरा जो आपके पास वो आता है TCS या इस तरह की कोई भी जो सर्विसेज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको महंगी पड़ती हैं। उसमें एक किलो का वज़न भी अगर आप भेज देते हैं तो वो 400-500 तक चला जाता है। इतनी आपकी महंगी पेंटिंग नहीं होती जितना आपका वो डिलीवरी में चला जाता है। अब कस्टमर को कौन कहे कि भाई 500 रुपये डिलीवरी दो, कस्टमर तो भाग जाएगा। कस्टमर कहेगा भाई तुम रखो अपनी पेंटिंग का बोर्ड अपने पास, हमें नहीं करवानी तुमसे पेंटिंग। और दूसरा जो मैं मेथड इस्तेमाल करती हूँ बेसिकली वो मेथड जो है वो पोस्ट ऑफिस का है। उस पर 3 किलो तक अगर आपका वजन होगा, आपका नहीं, 3 किलो तक अगर आपका आपके पार्सल का वजन होगा, आपके ऑर्डर का वजन होगा, तो वो 225 उस पर चार्ज लगते हैं। अगर 3 किलो से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे 325 या 45 लग जाते हैं। तो ये डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। और मैं TCS नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस यूज़ करती हूँ। अपने इलाके में तो मैं पोस्ट ऑफिस चली जाती थी, मुझे आसानी से पता चल जाता था किधर है, लेकिन जहाँ पर लाहौर है इतना बड़ा शहर है, मुझे पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर नहीं पता। किसी को पता है तो मुझे बता दें। इसलिए अगर मेरा ऑर्डर जो है बना हुआ ऑर्डर आप तक पहुंचने में देर लगती है तो काइंडली आप सर बर्दाश्त करें, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नहीं पता। मैं देखूंगी कि कौन सा पोस्ट ऑफिस जो है मेरे से ज़्यादा करीब पड़ता है, मैं वहाँ से जाके उसको ऑर्डर को डिलीवर करवाऊँ और अपना काम धंधा मैं जारी रखूँ। तो चलते हैं मेरी पेंटिंग की तरफ। मेरी पेंटिंग पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आपने बातें नहीं मुझे सुनानी। मुझे पता है मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, क्योंकि मेरी ये फील्ड ही नहीं है। मैं एक CS की स्टूडेंट हूँ, BScS कर रही हूँ, सेकेंड सेमेस्टर UMT लाहौर जोहर टाउन से। और मुझे पेंटिंग नहीं आती, मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मुझे जो आता है मैं वो बना रही हूँ। तो काइंडली आप अपने नेगेटिव कमेंट्स अपने पास रखें, मुझे इस तरह की बातें मत सुनाएं। सो लेट्स स्टार्ट। एक तो मैं सो बहुत बोलती हूँ, आपने नोटिस किया होगा मैं बार बार बात बात पे सो 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 बोलती हूँ। तो सो चलते हैं, सो लेट्स गो।
सबसे पहले तो ये जो मैस क्रिएट किया है मेरी बहन ने, इसको ज़्यादा क्लियर करते हैं ताकि हम अपनी वीडियो को जो है ना वो रिकॉर्ड कर सकें। तो ओके, कैनवस बोर्ड को मैंने अनरैप कर लिया है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट होती है जिसको मैंने उतार दिया है, और ये कैनवस है, इसको मैंने स्केच पेंसिल से इसको रेडी कर लिया है। इससे मैंने डॉक्टर जी का स्केच स्टाइल कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है डॉक्टर जी का स्केच, और इसके ऊपर लिख दिया है मैंने डॉक्टर आशु। और अब मैंने क्या करना है कि मैं इस पर कोई गैस अप्लाई नहीं करती क्योंकि मेरी मर्जी है। आप इस पर वाइट पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, पेंटिंग करने से पहले वाइट पेंट अप्लाई कर सकते हैं, या आप जैसो अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी आप वाइट पेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ना मैं जैसो यूज़ करती हूँ ना मैं वाइट पेंट यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी मर्जी। मैं सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ इसको मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। एक दफ़ा पूरे कैनवस पर आप पानी लगा सकते हैं, या अगर आपने पूरे कैनवस पर नहीं लगाना तो आप बैक साइड पर पानी लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि आपके ब्रश का जो फ्लो है वो तेज़ हो जाता है। तो मैंने, क्योंकि जब मैं पूरे कैनवस पे पानी तब लगाती हूँ जब मैंने यहाँ यहाँ पूरे को कवर करना हो, लेकिन मुझे आज सिर्फ और सिर्फ ये जो डॉक्टर साहिबा है इसको मुझे कलर करना है, और बस ये इसको नाम को मुझे डायल करना है बस। और इस पेंटिंग के मैंने चार्जेस लिए हैं 900, और इनको मैं इसमें से 225 रुपीज़ जो है वो डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे, और ये कह लें कि 130 तक का जो है वो कैनवस है। और क्योंकि अब मैं लाहौर में रहती हूँ और मेरे पास कोई जाने का तरीका नहीं है पोस्ट ऑफिस से, तो डेफिनेटली मुझे बाय ऑटो जाना पड़ेगा या फिर कोई भी ऊबर वगैरह करवानी पड़ेगी, तो उसके चार्जेस भी 200-300 तो पड़ जाएंगे। तो गाइज इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है बनाने में, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाना था। इस वजह से मैंने ये ऑर्डर पकड़ लिया और अब मैं इसको रेडी करूँगी। अपनी बहन को मैंने कमरे से बाहर भेजा हुआ ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना कर सके, और बेचारी बाहर गर्मी में है, मैं भी यहाँ पे गर्मी में हूँ पंखे के बगैर। तो काइंडली फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, पसीना आ रहा है और आई एम सो मच वेली। तो अब करते हैं स्टार्ट, खोलते हैं अपना दराज और देखते हैं इसमें क्या क्या है राज। मैंने बाल बांध दिया है ताकि मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो बगैर वक्त जाएगी हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर नहीं बन गई, मुझे लग रहा है 3000 सब्सक्राइबर्स के बाद कि मैं अच्छी यूट्यूबर बन गई हूँ। नहीं बनी तो बन जाऊँगी, क्या कोई पैदाइशी यूट्यूबर थोड़ी होता है। ओपन माय दराज और ये है मेरे कैनवस, और इन पे कुछ पड़ा हुआ है पॉप्सिकल स्टिक्स, और इसको खोलते हैं। क्या क्या चाहिए मुझे यहाँ से? मुझे चाहिए पोस्टर कलर्स, या एक्रेलिक कलर्स चाहिए, और ब्रश चाहिए, और सिर्फ़ सिर्फ पानी चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं कैमरा किधर सेट करूँ कि मेरी वीडियो ठीक बन जाए। अगर मैं ऐसे सेट करूँ, अच्छा एक और बात बतानी थी मैंने आपको, चलो इसको ड्रा करते करते मैं बताती हूँ आपको। बात ये बतानी थी कि टेबल मैं बड़े शौक से लेके आई हूँ, ठीक है, और इस पर बैठने के लिए, मेरा मतलब चेयर पर बैठने के लिए जिस पे बैठ के मैं ड्रॉ करूँगी वो चेयर ही नहीं लेके आई, तो क्या फ़ायदा मेरा इसको लाने का टेबल को। मेरा तो ये था कि मैं बैठ के आराम से काम करूँगी इस पे बगैर किसी डिस्टरबेंस के, और अब मुझे खड़ी होकर पेंटिंग करनी पड़ेगी। तो आपको ये कैनवस दिख रहा है, पहले मैं एक ग्लास में पानी ले लेती हूँ। ये ले ग्लास और इसमें डालूँगी पानी। ये पानी मेरे घर का पानी है, इतने दिनों से ये पानी पड़ा हुआ है। पानी अंकल जी, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। अच्छा दूसरी बात, ये मुझे इस टेबल से इतना प्यार है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी बहन जो है कोई भी गीली चीज़ हो इस पे ला के रख देती है, लेकिन शायद आपको पता हो गीली चीज़ पे अगर हम कोई भी वो पानी वाली चीज़ रख देते हैं तो वो फूल जाती है। तो मैं तो इसको अपने हाथों से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ कि इसको कुछ ना हो, मेरी इकलौती मोहब्बत। अच्छा बहुत होगी बातें, करते हैं स्टार्ट। ये मैंने भाई नया ब्रश लिया, ये भी देख लें आप। हाँ जी, और एक ये ब्रश भी मैंने नया लिया, ये दोनों बहन भाई हैं। अच्छा हम करते हैं इनके बालों से स्टार्ट, ठीक है। ये मेरे पास बाल है, ये इसका इसकी शर्ट है, ये इसकी पॉकेट्स हैं, और ये इसकी पैंट है। शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी इसके बालों में कलर। बालों में कलर मुझे चाहिए ब्लैक कलर, और मेरे पास शायद ब्लैक कलर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पास ब्लैक कलर ना हो। अच्छा आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल
ताकि आप इस तरह की फजूल वीडियोस देखते रहें और अपना भी वक्त ज़ाया करें और साथ मेरा भी वक्त ज़ाया करें। मेरा तो नहीं वक्त ज़ाया हो रहा, आपका हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार, जहाँ पर तुम लोग इतने लोगों को देखते हो वहाँ पर टाइम ज़ाया करते हो, वहाँ पर कुछ मासूम बच्ची की भी आप अगर वीडियोस देख लो तो कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, मैं इसको मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ पानी के साथ, ठीक है, इसके बालों को पहले मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके कलर कम लगता है, ठीक है। वो किस तरीके से कि आपका कलर ऑटोमेटिकली स्प्रेड होने लग जाता है, जहाँ पर आपकी ज़्यादा क्वान्टिटी लगनी होती है वहाँ पर ये कम कलर को लेता है, क्योंकि ये अपने आप में इसको क्या कहते हैं यार, एक तो मुझे बोलना भी नहीं आता, अपने आप में इसको डिसॉल्व अब्सॉर्ब पता नहीं क्या कर लेता है, कुछ कर लेता है। कैमरा भी नहीं सेट हो रहा, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, लोगों का वक्त ज़ाया मत करो। अच्छा, आई थिंक आपको अब ठीक नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा तो ऊपर से होके देख लें कैमरे से। ये एक्रेलिक कलर्स हैं भाई, ये कीप स्माइलिंग के एक्रेलिक कलर्स हैं, इनको मैं हेयर्स में कर रही हूँ, रफ रफ करूँगी क्योंकि बाल सबके मेरी तरह ही रफ हों, अच्छे बाल मुझे अच्छे नहीं लगते, लोगों के बाल अच्छे हो ना मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि मेरे खुद के अच्छे नहीं हैं। नहीं भाई, जैसे भी हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, थक गई हूँ बोल बोल के, पागल ही हूँ, अकेली बोलती जा रही हूँ, खामोशी, मैं खामोशी इख्तियार नहीं कर सकती, खामोशियाँ मार देती हैं, इस वजह से मुझे तो लगता है मैं पागल हो गई हूँ। गाइस, मैं पागल हूँ मुझको 3,000-4,000 फॉलोअर्स क्या मिल गए, मैं तो जैसे पागल हो गई हूँ। अच्छा, ये इस लड़की ने कहा था कि उन्हें ये ऑर्डर जो है ना, मतलब आज मुझे ऑर्डर अगर दे रही हैं तो कहती हैं मुझे आज शाम तक दे दें। भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऊपर से मैं रहती भी लाहौर में हूँ और कुछ लोगों को तो आग लगती है जब मुझे कोई ऑर्डर मिलता है, पता नहीं क्यों वो मुझसे जलती हैं। यार देखो, मैंने अपना हिस्से का कमाया, तुम लोगों ने अपने हिस्से का कमाना है, तो क्यों बंदा जेलस हो किसी से। भाई मुझे पता है मैं नहीं सही पेंटिंग करती, लेकिन सबको ही, अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी देख रहे हैं, उन्हें भी पता है कि ये बहुत रफ़ पेंटिंग करती है, तो वो ऑर्डर दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे होंगे ना, शायद उन्हें रफ़ वीडियो रफ़ पेंटिंग पसंद हो, तो आप थोड़ी जज कर सकते हैं उन्हें कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद। तो अपनी बकवास बंद करें, ठीक है, उन लोगों को कह रही, आप लोगों को नहीं कह रही, उन लोगों को कह रही हूँ जो मुझे कहते हैं क्या तुम घटिया पेंटिंग बनाती हो। भाई मुझे पता है, मुझे मत बताओ, मेहरबानी, तुम लोगों की मेहरबानी, मुझे मत बताओ मैं घटिया पेंटिंग करती हूँ, आई नो अबाउट इट। दूसरी बात ये कि मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसका कैप्शन क्या रखूँगी, लेडी डियाना डॉक्टर पेंटिंग क्या रखूँगी कैप्शन। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं अपनी वीडियोस जो है ना वो 12 बजे पोस्ट करती हूँ, दोपहर के 12 बजे, पहले भी मैंने दोबारा 12 बजे पोस्ट करनी होती थी लेकिन तब मेरा उठना नहीं था होता है, अब मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है इसलिए मैं उठ जाती हूँ। आप मेरे ख्याल से मेरी बकवास सुन के थक चुके होंगे, तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, अपना करियर तबाह कर दूँ। दूसरी बात क्या बतानी थी, अर्निंग के बारे में क्वेश्चंस करते हो कि आप किस तरीके से अर्निंग करते हो, तो यूट्यूब वाले टिकटॉक वाले मेरे कोई हमसाए नहीं हैं या मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है जो मुझे पैसे देंगे फजूल में, तो पाकिस्तान में तो अर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो भूल जाएँ, वो दिन कभी नहीं आएंगे, अगर आप पाकिस्तान में अर्निंग करना चाहते हैं तो भूल जाएँ। हाँ, आप एक तरह की फजूल वीडियो अगर बनाएँ तो आप कर सकते हैं अर्निंग। अच्छा, ये मैं स्किन के लिए ना ये कलर यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी मर्ज़ी है, और दूसरा ये कि मुझे अच्छा कलर लगता है, आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। ओके, तो अब मैं ज़रा अपने आप को सांस देने लगी हूँ और ये स्किन टोन को कवर करके मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो
इसके बाद मुझे इनके हाथ पे एक लिफाफा पकड़ाना है ब्लू कलर का। मे बी ये लिफाफा किसी की मौत के लिए सिग्नेचर करवाने के लिए हो या कोई भी डॉक्टर। मुझे डॉक्टर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं जो डॉक्टर बनते हैं, और मुझे डॉक्टर बनना पसंद ही नहीं। होता ना शुरू में छोटे होते बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि भाई मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, बेशक बड़े होकर उसके ख्वाब पूरे होना हो, लेकिन बचपन में वो ख्वाहिश करता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है ना। ऐसी घटिया ख्वाहिश कभी मैंने अपने दिल में रखी ही नहीं। अच्छा खैर, ये लड़की ने अपने टीचर को देने के लिए बनाया है, उसकी टीचर शायद डॉक्टर बनना चाहती थी तो वो टीचर बन गई, आई डोंट नो व्हाट। दूसरी बात ये कि मैंने इस ऑर्डर को लेने से इनकार कर दिया था, मुझे लग रहा था मैं नहीं बना पाऊँगी, और दूसरा ये कि मुझे TCS ऑफिस का भी आइडिया नहीं था कि वो किधर है किधर नहीं, तो मैंने अभी तक कैंसिल किया उसे, मैंने कहा कि मैं नहीं बना सकती। तो अब मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी, इवन की ख़राब हालत में मेरे सर में दर्द है और मैं ये इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, इसके लैब कोट पे और इसके ट्राउज़र पे मैं ये ब्लू कलर कर दूंगी, और इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ इसके फाइनल रिजल्ट्स। बाल बाल केसर डियर डी करने लग गया, सब्सक्राइब कर दो। कितने दिन इंसान हो अभी भी नहीं किया। ओके बाय।